नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अपने यूट्यूब चैनल कनक ब्लॉग पर स्वागत करता हूं। और आप सब कैसे हैं? आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपके सारे परिंदे भी बढ़िया फिट फाट होंगे और बिल्कुल फाइन होंगे। लेकिन हमारे यहाँ तो अभी मेरे भी कबूतर जो फिट नहीं हैं और गर्मी इतनी पड़ रही है। इधर बीच में मौसम कुछ ठंडा हो गया था, फिर इसके बाद गर्मी पड़ने लगी, जिसकी वजह से मेरे कबूतरों में जो है लूज मोशन यानी कि हरी वीट ग्रीन वीट का प्रॉब्लम हो गया है। तो उसको ठीक करने के लिए मैं अपने कबूतरों को जो दवाइयाँ देता हूँ उसको मैं आज दिखा दूँगा। और तो सबसे पहले तो मैं अपने कबूतरों को जो देता हूँ ताकत के लिए देता हूँ, ताकि उनके अंदर वीकनेस ना आए। जो थोड़ी बहुत वीकनेस आती है लूज मोशन की वजह से वो ना आए। तो ये देखिए भाई, इसमें मैंने जो है ये न्यूरोबियन की टैबलेट इसमें मिली हुई, थोड़ा सा पानी है इसमें, थोड़ी देर रखे रहेंगे ताकि ये अच्छे से इसमें घुल जाए। और इसी में मैंने जो है ORS भी घोल रखा है। ये जो ORS है ये वाला, इसको मैंने घोल रखा है पहले, ऑलरेडी मैंने न्यूरोबियन दिखाया। ORS और न्यूरोबियन इसमें पड़े हुए हैं भाई, तो उसको हम दिखा नहीं पाए हैं, फिर कभी वीडियो बनाएंगे दिखाएंगे। तो ये मैंने रख दिया ताकि इससे हमारे कबूतर के अंदर कोई सी प्रकार की कमजोरी ना आए। और जो हरी बीट कर रहे हैं मेरे कबूतर, ये देखिए इसमें हरी बीट आ गई, उनके बीटों में जो है थोड़ा सा आज ही मैंने दवाई दी है तो काफ़ी फ़र्क आ गया। ये देखिए और इसकी बीट भी बंद हो गई है, लेकिन अभी कुछ कबूतरों में जो है वो लूज मोशन का प्रॉब्लम हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे ये हरी बीट है, और किसी किसी के तो जो है बीट से जो ब्लड भी निकलने लगा था, तो ब्लड जल्दी कंट्रोल में आ जाएगा। और ये वाली बीट देखिए भाई, ये भी हरी है, और ये वाली बीट भी देखिए कितनी हरी है। तो अगर ऐसा लूज मोशन का प्रॉब्लम आता है तो मैंने पहले वीडियो डाल रखी है, जब भी आप एंटीबायोटिक दें तो 5 दिन का कोर्स पूरा कराएं, 5 दिन से ज़्यादा भी चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप जो है कोर्स बीच में नहीं बंद करेंगे, नहीं उससे जो है डबल आपको कोर्स करना पड़ेगा भाई, तो दिक्कत हो जाएगी आपके लिए, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो आपके कबूतर को, क्योंकि वो बॉडी का रिएक्शन हो जाएगा ना, तो उसके खिलाफ जो है एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी अच्छे से, तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और मैंने आज ही दवा दी है सुबह के समय जो मैंने दिया था इसको, टेट्रासाइक्लिन कैप्सूल होता है। मैं एंटीबायोटिक हर बार कबूतरों में बदल देता हूँ, क्योंकि एक ही एंटीबायोटिक देने से उसका जो है असर नहीं होता है हमारे कबूतरों पे। एक ही एंटीबायोटिक डालने से कबूतरों को असर नहीं होता और बैक्टीरिया उससे लड़ना सीख जाते हैं। इसलिए आप जब भी दें कबूतरों को एंटीबायोटिक बदल बदल के दें, जो आपको अच्छी एंटीबायोटिक लगे, कोई भी एंटीबायोटिक जो अच्छी आपको लगती हो, जिसको आप यूज कर चुके हैं और रिजल्ट दे चुके हैं, इस तरह के दीजिए। तो अभी एक ही खुराक मैंने दिया, तो आपको मैंने दिखाया काफ़ी कबूतरों की वीट देखिए चेंज हो गई। ये देखिए ये चेंज हो गई और इसमें देखिए थोड़ा सा हरापन है इसमें, लेकिन ये भी 2 दिन जहाँ एंटीबायोटिक चलाएंगे उस सही हो जाएगी। लेकिन आपको कंटिन्यू 5 दिन करना है, 5 दिन से पहले आपको कोई भी एंटीबायोटिक नहीं बंद करना है। और जो मैंने ये पानी दिखाया है आपको, ये जो मैंने पानी आपको दिखाया है ये वाला, ये पानी केवल आपके कबूतरों को जो कमज़ोरी में आते हैं लूज मोशन की वजह से, पानी के साथ जो मिनरल्स और जो विटामिन निकल आते हैं उसकी पूर्ति आप बाहर से करेंगे ये पानी देकर। तो जैसा कि शरीर में नमक की भी कमी हो जाती है लूज मोशन की वजह से, आप लोग जैसे लूज मोशन होता है नींबू पानी खाते हैं, उसी तरह हम इनको ORS देते हैं, नींबू पानी, नींबू या चीनी या नमक भी दे सकते हैं, तो आप इससे कंट्रोल कर लेंगे। और 3 दिन में देखिएगा हमारे कबूतर सारे मस्त हो जाएंगे। और अभी देखिए कबूतर, अभी इसने वेट की है, ये देखिए इसमें हरापन है, ये देखिए थोड़ा सा, ये देखिए, तो ये जल्दी ठीक हो जाएगी और कोशिश करेंगे। बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में, ऊपर वाला जो चाहता वही बचाता है। अब जिसको भाई नहीं रहना होगा नहीं रहेगा, जो बच पाएगा बच जाएगा, लेकिन कोशिश हमारी पूरी जाएगी, मेरे सारे कबूतर फिट रहें और उसके ऊपर मैं पूरा ध्यान देता हूं। तो आप भी अपने कबूतरों को, क्योंकि ये चेंज हो रहा है मौसम, गर्मी हो रही है, गर्मी में भी ये दिक्कत आ जाती है, तो आप इस तरह का अपने कबूतरों को वॉच करते रहिए। जैसे भी ये कबूतर बीमार हो उसको तुरंत निकाल लीजिए वहाँ से, नहीं तो सारे के सारे कबूतर आपके इफेक्ट हो जाएंगे। तो इतनी सी वीडियो, छोटी सी वीडियो मैंने आपको बताई, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आपका दोस्त का रहेगा इंतज़ार। नमस्कार, बाय बाय।